अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आज आपको सिखा रही हूँ स्पिनिच ऑमलेट। इसमें जिस स्पिनिच ऑमलेट में जिस चीज़ की जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताती हूँ। इसमें जी प्याज है आपकी, बड़े साइज़ की ऑनियन हो और दो प्याजें हों, दो प्याजें हैं इसमें, और दो ही बड़े साइज़ के टमाटोज हैं, और इसमें 8 अंडे हैं, और गार्लिक हाफ टी स्पून गार्लिक है, हाफ टी स्पून इसमें चिल्ली है, हाफ टी स्पून इसमें ये लहसुन है, लहसुन कह रही हूँ, ये हल्दी है, और 1 टीस्पून इसके अंदर सॉल्ट है, हाफ टी स्पून इसमें ज़ीरा है, और स्पिनिच है इसमें, एक बंच है स्पिनिच का, इसका पालक का एक बंच है। चीज़ के इसमें हमें 2 टेबलस्पून चाहिए होंगे चीज़, और मेल्टेड चीज़ है ये, और ये है ऑयल के हमें 2 स्पून चाहिए होंगे, आपकी मर्ज़ी है कि ऑयल आप अपने हिसाब से डालें, बाकी इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो हमारे हम स्टार्ट, मैं अंडों को बीट करती हूँ और स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। जी इसमें गर्म हो चुका है हमारा ऑयल, अब मैं इसके अंदर ये प्याज डाल रही हूँ। इसको फ्राई करते हैं, प्याज को हमने गोल्डन कलर करना है, जैसे सालन वगैरह के लिए इसी तरह इसकी प्याज भी हमने गोल्डन कलर की करनी है, ब्राउन। तो जैसे प्याज होती है फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। हेलो, लहसुन डाल दिया इसमें, लहसुन के बाद सारे मसाले डाल दिए, मसाले जरा से फ्राई हो रहे हैं तो अब इसमें ये टमाटर डाल दें। इसका पानी अब जब तक कुछ होता है 5 मिनट तक इसका पानी ज़रा टमाटर का कुछ रहे तो बाकी काम बाद में कर लेंगे। जिसके लिए जब इसमें गया ये पानी इसका ना टमाटर का सारा खुश्क हो गया है, जब पानी सारा खुश्क हो जाए टमाटर का आ गया तो इसमें से चलो पालक चलो जाएगा। 2-3 मिनट इसको सौते करेंगे, हल्के हाथ से अंदर डालते जाएंगे। नमक आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, ये 8 अंडे हैं। इसको ऐसे फोल्ड करना है, अगर आपने सारे में चम्मच चला दिया तो आपका मसाला जो है वो सारा जो है वो अंडे में लग जाएगा, इससे अलग अंडा अलग हो मसाला अलग हो। ऐसे ऐसे इसे घुमाते रहेंगे, ये इस तरह इसको आपने घुमाते जाना है और अंडा पकता जाएगा। अगर सारा आपने चमचा इसको ऐसे ऐसे चला दिया तो ये सारा जो मसाला है ना अंडे के साथ चिपक जाएगा। अब अंडा हो गया, अब आप मिक्स कर सकते हैं बीच में से इस तरीके से।
बस ये अब रेडी हो गया है 2 मिनट में। अब इसका चूल्हा हम जो है ना फ्लेम इसका एकदम बंद कर देंगे क्योंकि ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, बस फिनिश। ये रेडी हो गया है, मैं इसे डिशॉर्ट करके आपको दिखाती हूँ। मैंने इसको अभी शॉर्ट कर लिया है ना, अब मैं इसके अंदर इसमें 2 चम्मचे चीज़ के डाल रही हूँ, टेबल स्पून डालने के बाद इसे मिक्सअप करेंगे। मिक्स करके दिखाती हूँ मैं आपको, ये शॉर्ट कर लिया है मैंने इसको, अब इसको गार्निश कर देते हैं। चीज़ आपने आमलेट निकालने के बाद चीज़ मिलाई, चीज़ मिला के अब इसको गार्निश कर लें। इसको एंजॉय करें, मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।